गांधी जी की बात करते ही सबसे पहले जो हमारे मन में बात आती है वो है उनका स्वदेशी का व्रत, उनका स्वराज्य और उनकी जो मिशनरियों के प्रति विरोध था, जो विद्रोह था। वो स्वदेशी तो समझते हैं कि हर एक चीज अपने देश की होनी चाहिए, स्वराज के जो हमारा राज्य है, हमारा जो तंत्र है, वो अपने देश का होना चाहिए। और मिशनरियों का विरोध वो इसलिए करते थे क्योंकि उनका कहना था कि जो मिशनरी हैं ये जब मत परिवर्तन करते हैं, ईसाईकरण करते हैं, तो ये समाज को तोड़ने का काम करते हैं, और जो ये कन्वर्शन है ये सबसे बड़ा जहर है अगर कोई दुनिया में है तो। और उनका ऐसा मानना था कि अगर उनके बस में होगा तो ऐसा कानून बना देंगे कि ईसाइयत ना फैलाई जा सके या ईसाईकरण ना किया जा सके। लेकिन आजकल हमारे देश में गांधी जी के नाम पे बहुत ज़्यादा दुकानदारी की जाती है। ऐसे ही एक दुकानदार हैं जो आजकल हमारे देश में गांधी जी के नाम पे उनके सारे प्रिंसिपल्स के खिलाफ, उनके सारे उसूलों के खिलाफ काम करते हैं। इनका नाम है हर्ष मांदर, भूतपूर्व आईएएस ऑफिसर हैं, और आजकल आप इनको कई जगह पर और इंटरनेट पर तो ज़रूर ही देख सकते हैं। पिछली यूपीए सरकार ने जब वो हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद का एक हवा खड़ा किया था, उन दिनों अलग अलग लोग अलग अलग लेवल पे ये काम कर रहे थे। जो पॉलिटिशियन थे चिदंबरम जैसे और सोनिया गांधी जैसे, वो पॉलिटिकल लेवल पे काम करते थे, या जो वो होम मिनिस्टर रहे हैं शिंदे, ये सब लोग पॉलिटिकल लेवल पे काम करते थे। और साथ ही एक जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो इंटेलेक्चुअल लेवल पे काम किया जाता है, उसमें ये हर्ष मंदर बहुत ज़्यादा उन दिनों एक्टिव थे। इन्होंने तब होम मिनिस्टर के नाम पे एक पिटिशन डाली थी जो आज भी आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी, और उसमें इन्होंने मांग की थी कि जो ये हिंदू आतंकवाद है इसके बारे में ठीक से इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, देश के लिए खतरा है। आज हम देख रहे हैं कि वो सारे का सारा किस तरह से एक झूठ का एक पुलिंदा खड़ा किया गया था, अब तो वो लगभग गिर गया है, लेकिन उसे खड़ा करने में इसका एक बहुत बड़ा योगदान था। ये देखिए, सबसे पहले जो नाम आता है इस पिटिशन में वो है हर्ष मांदर का। ये जो सोनिया गांधी ने NAC या नेशनल एडवाइजरी काउंसिल बनाई थी, उसका एक प्रमुख सदस्य होता था उन दिनों। ये उन दिनों कितना शक्तिशाली था, अगर उसका आपको एक नमूना देखना हो तो आप आज नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की वेबसाइट पे देख सकते हैं। यहां पे जो वर्किंग ग्रुप्स हैं उनमें सबसे ऊपर देखिए, फूड सिक्योरिटी कन्वीनर हर्ष मांदर, आगे चलिए ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, कम्युनल एंड टारगेटेड वायलेंस बिल, लैंड एक्विजिशन एंड रीसेटलमेंट एंड रिहैबिलिटेशन, डीनोटिफाइड एंड नोमैडिक ट्राइब्स, आगे चलिए ट्राइबल डेवलपमेंट हर्ष मांदर, जेंडर एंड सेक्स रेशियो, ICDS reforms, urban poverty, right to education, Dalit issues, social protection, Harsh Mandar, development of northeastern region, Harsh Mandar। तो ये उस समय इतना शक्तिशाली था कि PMO office में जो working groups थे उनमें लगभग सभी का एक प्रमुख सदस्य होता था। और जैसा कि यूपी की परंपरा थी उस समय, सोनिया गांधी वाली सरकार की जो परंपरा थी, इसे भी एक अवार्ड मिला हुआ है। इसे जो अवार्ड मिला है वो है राजीव गांधी सद्भावना अवार्ड। अब ये आप अगर इस न्यूज आइटम को देखेंगे तो इसमें वो बताते हैं कि फॉर्मर ब्यूरोक्रेट हर्ष मांदर रिजाइंड इन मार्च इन द वेक ऑफ गुजरात राइट्स, और आगे चलिए तो डिस्क्राइबिंग द रिसिपियंट्स एज एक्सेप्शनल इंडिविजुअल्स। ये कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी का कहना है कि हर्ष मांदर और साथ में तीसा से तलवाड़ भी है कि ये एक्सेप्शनल इंडिविजुअल्स हैं। उन दिनों अगर आप कहीं भी वेबसाइट्स या समाचार पत्रों को स्कैन करेंगे तो आपको ये सुनने को मिलेगा कि हर्ष मांदर ने रिजाइन किया था अपनी IAS की नौकरी से। ये एक वेबसाइट है द मिली गजट करके, ये भी हर्ष मांदर का महिमा मंडन करती है।
इसमें वो क्या कहते हैं, हर्ष मांदर द मैन हु टुक हिज हार्ट आउट वाइल राइटिंग हैज सिंस रिजाइंड हिज पोस्ट। इनसे एक बार मेरा ईमेल एक्सचेंज हुआ था इंटरनेट के ग्रुप में, जहां पर एनएसी के बारे में बात हो रही थी। तो मेरा आज भी यही मानना है जो उस समय था कि एनएसी में देश भर के सबसे घटिया लोगों को, जो देश तोड़ने का काम करते हैं, उन्हें भर्ती किया गया था। तो इस डिस्कशन में हर्ष मंदर ने मुझे कोई तथ्य तो नहीं दिए, लेकिन सीधा मेरे पे एक अटैक कर दिया या एक लेबल चिपकाने की कोशिश की कि मैं कोई आरएसएस एजेंडा चला रहा हूं या भगवाकरण कर रहा हूं या झूठ बोल रहा हूं। तब मैंने इनसे केवल एक ही रिक्वेस्ट की थी कि अगर ऐसा है, उसमें मैंने ये भी कहा था कि जो हर्ष मंदर है इसने आईएएस की नौकरी से रिजाइन नहीं दिया है, ये इसके बारे में झूठ बोलता है। तो मैंने इनसे कहा था कि अगर आप वो अपना रेजिग्नेशन अपलोड कर देते हैं तो ये सारी डिस्कशन और ये सारा जो विवाद है वो खत्म हो जाएगा। तो इन्होंने वो रेजिग्नेशन तो अपलोड नहीं किया, लेकिन और दो चार अपशब्द कह के उस डिस्कशन में से बाहर चले गए। जब गुजरात के 2002 वाले वो दंगे हुए थे, फरवरी मार्च में हुए थे, वो फरवरी के लास्ट दिनों में, और मार्च में इन्होंने रेजिग्नेशन दिया है, तो टाइम देखेंगे तो मैच करता है। लेकिन जब कोई भी आईएएस ऑफिसर 20 साल का कार्यकाल पूरा होने से पहले रिजाइन कर देता है तो उसको पेंशन नहीं मिलती और बाकी की जो सरकारी सुविधाएं हैं वो भी नहीं मिलती हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बलिदान हो सकता है अगर कोई केवल अपने मॉरल ग्राउंड्स पे, जैसा कि इसका कहना है, केवल अपने मॉरल ग्राउंड्स पे अगर रिजाइन कर देता है। तो अब समाज में, आम लोगों में ऐसी एक धारणा है कि ये ऐसा लालची व्यक्ति है जिसने रिजाइन नहीं किया होगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा बलिदान होता, बहुत बड़ी एक त्याग माना जा सकता था। सच्चाई, लोगों का ऐसा मानना है कि इसके 20 साल मार्च में पूरे हो रहे थे नौकरी के, और इसे एक पैसे कमाने का दूसरा ज्यादा आकर्षक रूट पता था, इसलिए ये पहले ही अपना रेजिग्नेशन अप्लाई कर चुका था, तब दंगे नहीं हुए थे। लेकिन वो कहते हैं बहती गंगा में हाथ धोना, तो अपने आप को महान शो करने के लिए मीडिया में ये क्लेम किया कि इसने मॉरल ग्राउंड्स पे रिजाइन किया है। ये जो दूसरा रूट जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो उसका एक एग्जांपल हमारे सामने अरविंद केजरीवाल भी हैं। आईआरएस की नौकरी करते थे, लेकिन साथ ही साथ उन्हें ये पता लगा कि अगर बाहर से फंडिंग आती हो, आप एनजीओ खोल लेते हैं, तो ये पैसे कमाने का एक बहुत अच्छा तरीका है। इसमें आपको वर्ल्ड लेवल पे, विश्व स्तर पे नाम भी मिलता है, पैसा तो मिलता ही मिलता है। तो यानी आपकी पांच उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में, वो कहावत इस पे चरितार्थ होती है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की जो संस्थाएं थी, जैसे कबीर थी, हम जानते हैं कि उनकी फंडिंग फोर्ड फाउंडेशन, अमेरिकन जो संस्था है, वो कर रही थी। यही रूट इस हर्ष मंदर ने भी पकड़ा हुआ था, और अपने आप को महान समाज सेवी कहलाने के लिए इसने एक ऐसा भ्रम फैला दिया कि इसने अपनी पोस्ट से रिजाइन किया है। अब हम इसकी सच्चाई देखते हैं। एक तो ये है कि इन्होंने ये झूठ बोला, इसके अलावा ये हमारे समाज को कैसे मूर्ख बना रहा है, उसका भी एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। जिन दिनों वो अन्ना हजारे वाली मुहिम चल रही थी और एक बार शांति भूषण और प्रशांत भूषण के बारे में एक विवाद खड़ा हुआ था, उन दिनों द हिंदू में एक लेख छपा था जिसमें इसकी फोटो छपी थी हर्ष मंदर की, और टाइटल था सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस बैक द भूषण्स। अब इस टाइटल से ऐसा लगता है कि मानो प्रशांत भूषण, ये जो भूषण है, ये तो अलग हैं और इनको सिविल सोसाइटी की अलग से बैकिंग मिल रही है। ये एक बड़ा अच्छा तरीका होता है प्रोपेगेंडा करने का, कि आप अपने ही लोगों को अलग अलग तरह से खड़ा करके शो करें कि वो अलग हैं, जबकि असलियत में वो एक ही एजेंडा पे काम कर रहे होते हैं। हर्ष मंदर की एक संस्था है सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज, उसकी वेबसाइट पे देखते हैं। ये देखिए, सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज में फाउंडिंग मेंबर्स हैं हर्ष मंदर, और अगर आप बोर्ड मेंबर्स में जाएंगे तो वहां पे आपको दिखेगा प्रशांत भूषण का नाम। यानी एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, लेकिन समाज में, मीडिया में ऐसे दिखाया जा रहा है मानो अलग अलग से दो एंटिटीज हैं जो एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं। अब जरा इनकी संस्था की डोनर लिस्ट पे जाएंगे
तो आपको कुछ और चीज़ें समझ में आएंगी। वो एक अंग्रेजी में कहावत है, वन हु पेज द पाइपर कॉल्स द ट्यून्स। तो कभी भी आपको ये जानना हो कि कोई भी आदमी किस एजेंडा पे काम करता है तो उसकी फंडिंग को देखना चाहिए, उसको देखना चाहिए पैसा कहाँ से लेता है। तो इनकी वेबसाइट पे देखते हैं, इंस्टीट्यूशनल लिस्ट में सबसे ऊपर नाम आता है एक्शन एड का। अब एक्शन एड क्या है अगर आपको ये समझना है, या इसका क्या साइज है वो समझना है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की साइट पे जाइए। उस साइट पे आपको पता लगेगा कि हमारे देश में जो संस्थाएं फंडिंग करती हैं करोड़ों डॉलर्स की, उनमें टॉप 10 संस्थाओं में इस एक्शन एड इंटरनेशनल का नाम आता है, जो कि एक यूके की ब्रिटेन की संस्था है। अगली संस्था पे चलिए, डैन चर्च एड। नाम से पता लग रहा है कि चर्च की संस्था है और डेनमार्क की संस्था है। अब इस संस्था के बारे में प्रसिद्ध है कि दुनिया भर की अलग अलग संस्थाओं की फंडिंग करती है अपना एजेंडा चलाने के लिए। चर्च का एजेंडा क्या हो सकता है वो सभी जानते हैं। अब उन सारी संस्थाओं में से जिनकी फंडिंग करती है, एक का उदाहरण देता हूं, इसका नाम है बदील। ये संस्था पैलेस्टाइन और इसराइल वाले इलाके में काम करती है, और वहां पर बदील का जो प्रोपेगेंडा है वो ये शो करना है कि जो यहूदी हैं वो एक गंदे लोग हैं, वो एक क्रूर किस्म के लोग हैं जो वहाँ पर महिलाओं और बच्चों पर अत्याचार करते हैं। ये इनका एक प्रोपेगेंडा पोस्टर है जिससे आपको दिखाई दे जाएगा कि यहूदियों को किस तरह से मीडिया में डिपिक्ट करने की कोशिश की जा रही है डैन चर्च की फंडिंग से। ये आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है कि हमारे देश में हर्ष मंदर और इस जैसे लोग ऐसा ही प्रोपेगेंडा हिंदुओं के बारे में करते हैं। मिशनरी जो एजेंडा होता है वो ऐसे ही चलता है। अगली संस्था देखिए, ICCO इक्को। अब इक्को क्या है, ये भी बहुत सारी चर्चों ने मिलकर एक अलग से संस्था बनाई हुई है, उसका नाम इक्को है, ICCO। और इनकी वेबसाइट से आपको दिखाई दे जाएगा कि बहुत सारी प्रोटेस्टेंट चर्चेज हैं जिन्होंने मिलकर इस संस्था का गठन किया है, और उनका काम केवल ईसाईकरण है, ईसाइयत को फैलाने का ही है। आगे चलिए, अगली संस्था है कर्क इन एक्टी। नाम से स्पष्ट नहीं होता, लेकिन अगर आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो बनता है चर्च इन एक्शन। तो फिर से एक मिशनरी संस्था है, और वो अपनी साइट पे इस चीज को छिपाते नहीं है। उनका अगर आप मिशन एंड विजन देखेंगे उनकी साइट पे, तो बड़े क्लियर हैं, वी ऑपरेट फ्रॉम आवर क्रिश्चियन फेथ, कि हम ईसाइयत फैलाने के लिए ही काम करते हैं। अगली संस्था, इंटरनेशनल डेवलपमेंट रिसर्च सेंटर, IDRC। IDRC के बारे में आपको बहुत आसानी से सूचना नहीं मिलती कि कौन सी संस्था है, कहां से फंडिंग आती है, लेकिन अगर आप फोर्ड फाउंडेशन की वेबसाइट पर जाएं, जी हाँ, वही फोर्ड फाउंडेशन जो अरविंद केजरीवाल की फंडिंग करती थी, तो वहां आपको देखने को मिलेगा कि जो फोर्ड फाउंडेशन है वो IDRC को लाखों डॉलर्स का चंदा देती है, फंडिंग करती है। तो एक तरह से जो IDRC है वो एक फ्रंट है आगे फर्दर फंडिंग करने के लिए अलग अलग संस्थाओं का। आगे चलिए, मानस फाउंडेशन। नाम हिंदुस्तानी संस्था का लगता है, लेकिन इसके बारे में भी आपको इजीली कोई जानकारी नहीं मिलती। एक बार फिर से, जब आप फोर्ड फाउंडेशन की वेबसाइट पर जाते हैं तो वहां आपको पता लगता है कि हजारों डॉलर फोर्ड फाउंडेशन ने मानस फाउंडेशन को भेजे थे, और मानस फाउंडेशन वो फंडिंग आगे सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज को करती है, जो हर्ष मांदर के हाथों में आती है। अगली संस्था है पार्टनरशिप फाउंडेशन। इसके बारे में भी अगर आप इसकी वेबसाइट पर जाएंगे तभी पता चलेगा कि ये भी ईसाइयत फैलाने वाली संस्था है, और इसकी वेबसाइट पे आपको दो नाम दिखाई देंगे, अमन बिरादरी और अमन वेदिका। ये नाम हमारे लिए ज़रूरी हैं क्योंकि ये नाम हर्ष मांदर के चहेते नामों में से एक है। ये अमन की बहुत बात करता है, सुनिए ज़रा। और हम एक अमन समिति बनाने की कोशिश करेंगे, अमन इंसानियत कमेटी, जहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, आदिवासी, दलित, साथी, महिला पुरुष इकट्ठा हों
जो कहते हैं कि हम मोहब्बत पर यकीन करते हैं, समानता पर यकीन करते हैं। ये है अमन बिरादरी की वेबसाइट। यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे आपको ईसाइयत का कोई नाम नहीं दिखाई देगा जो इनकी सारी फंडिंग कर रही है। यहाँ पे इन्होंने जो शब्द का उपयोग किया है वो है सेक्युलर। तो फंडिंग सारी ईसाइयों से है लेकिन लेबल ऊपर जो चढ़ाया है वो सेक्युलर का है। और साथ ही साथ वहीं पे आपको होम पेज पे ही महात्मा गांधी का एक कोटेशन भी मिल जाएगा। ये सबसे अच्छा रैकेट होता है, गांधी जी के नाम पे करो, सेक्युलरिज्म के नाम पे करो, तो आपको एक्सेप्ट कर लिया जाता है, भले ही उसके पीछे उसकी आड़ में आप जो मर्जी काम कर रहे हो, बेशक वो गांधी जी के नियमों के, उनके उसूलों के बिल्कुल विरोध में जाता हो। अब असलियत क्या है, गांधी जी का ईसाइयत के बारे में क्या स्टैंड था, उसका एक उनके जीवन से उदाहरण मिलता है। एक बार एक फॉरेनर उनके पास आया कि आप मुझे अपनी फोटो पे अपने ऑटोग्राफ करके दे दीजिए। तो गांधी जी ने पूछा आप इसका क्या करोगे, तो बोला मैं इसको फादर्स को दूंगा। तो गांधी जी का जवाब था, यू डू नॉट एक्सपेक्ट मी टू सपोर्ट द फादर्स इन देयर मिशन ऑफ कन्वर्शंस, यू नो व्हाट दे डू। तुम ये मुझसे उम्मीद मत करना कि मैं फादर्स के मिशन की सपोर्ट करूंगा, तुम जानते हो कि वो क्या करते हैं। तो वो गांधी जी जो ईसाइयत के इतने खिलाफ थे, मिशनरियों के इतने खिलाफ थे, उन्हीं के नाम पे हर्ष मंदर हमारे देश में ईसाइयत का काम करता है। वो हम आगे देखेंगे कि कैसे करता है। जिन दिनों अन्ना हजारे की मुहिम चल रही थी जंतर मंतर पे, उन दिनों इनका हिंदुस्तान टाइम्स में एक आर्टिकल छपा था। उसमें इन्होंने कारण बताया था कि ये जंतर मंतर पे क्यों नहीं गए। टाइटल था व्हाई आई डिडंट गो टू जंतर मंतर। उसमें इनका जो मुख्य ऑब्जेक्शन है वो क्या है, द सिंबल्स एंड एलाइज दैट द कैंपेन चोज डिस्टर्ब्ड मी, द स्टेज वॉज डेकोरेटेड विद अ पिक्चर ऑफ भारत माता। जिन प्रतीकों का उपयोग किया जा रहा था वो मुझे डिस्टर्ब कर रहे थे और स्टेज पे भारत माता की फोटो सजी हुई थी, ये इनका ऑब्जेक्शन है। और उसी आर्टिकल में गांधी जी का नाम इसने फिर से डाल दिया है कि महात्मा गांधी टॉट अस दैट फंडामेंटल टू सत्याग्रह इज लव। तो सत्याग्रह की बात वो व्यक्ति कर रहा है जो गांधी जी के प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट काम करता है। और यहां पर सच्चाई ये है कि वाराणसी में जब भारत माता का मंदिर बनाया गया था तो उसका उद्घाटन ही गांधी जी ने किया था। 2011 में FBI ने, अमेरिका की FBI ने एक ISI एजेंट को अरेस्ट किया था जिसका नाम था गुलाम नबी फाई। ये वो टाइम था जब हमारे देश में ISI एजेंट्स को अरेस्ट नहीं किया जाता था, बल्कि जो पकड़े हुए थे उनको भी UPA सरकार छोड़ने में लगी हुई थी, क्योंकि उनको वो भगवाकरण वाला जो एक टेररिज्म का हुआ था वो खड़ा करना था। तो जब ये पकड़ा गया तो हमारे यहाँ के मीडिया को ये खबरें छापनी पड़ी कि पकड़ा गया है। तो कुछ अखबारों ने इस पर बड़े बड़े आर्टिकल्स लिखे और एक अखबार ने काफ़ी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ये बताया कि हमारे देश के 11 लोगों ने इसकी गुलाम नबी फाई की कॉन्फ्रेंसेस में, सेमिनार्स में पार्टिसिपेशन की थी, कि ये लोग उसके पैसे पे जाते थे, 5-स्टार होटलों में रुकते थे, खाना वाना खाते थे, उसका एजेंडा आगे बढ़ाते थे और फिर वापस अपने देश आ जाते थे। ये जो 11 लोग हैं इनकी लिस्ट देखिए क्या है, दिलीप पदगांवकर, रजिंदर सच्चर, कुलदीप नैयर, गौतम नवलखा, हरिंदर बवेजा, कमल मित्र चिनॉय, प्रफुल्ल बिदवई, अंगना चटर्जी, रीटा मनचंदा, प्रोफेसर GR मलिक और जितेंद्र बख्शी। ये सारे के सारे ऐसे आस्तीन के सांप हैं जिन पे अलग से एक एपिसोड हो सकता है और शायद हम करें भी अगर समय मिला तो। लेकिन इसमें हमारे लिए जो खास बात है कि इन 11 की लिस्ट में हर्ष मंदर का नाम कहीं नहीं है। ये उसमें इतना शक्तिशाली था कि इसका नाम लिखने की हिम्मत लोगों में नहीं होती थी। उन दिनों ये TV चैनल्स के स्टूडियोज में जाता था, वहां पे व्याख्यान देता था, लोगों को भाषण देता था, लेकिन इसके बारे में कोई नेगेटिव खबर कभी नहीं आती थी। आज हमारे देश के बड़े सारे स्टार पत्रकार ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि ये तो अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है, अघोषित इमरजेंसी है, मीडिया को मैनेज किया जा रहा है, दबाया जा रहा है,
लेकिन इन सारे बहादुर पत्रकारों में से किसी एक ने भी हर्ष मांदर के खिलाफ आज तक एक शब्द नहीं बोला है। इसके लिए अगर आपको जानकारी चाहिए तो आपको पाकिस्तान की वेबसाइट से मिल जाती है। जी हाँ, ये उनकी एक वेबसाइट है thenews.com.pk करके। यहाँ आपको पता लगेगा कि 2008 में गुलाम नबी फ़ाए ने इस्लामाबाद में एक कॉन्फ्रेंस की थी जिसको अटेंड करने के लिए हर्ष मंदर गया हुआ था, और वहां पर जो एजेंडा था कश्मीर वॉज एन इंटरनेशनल इशू, और इसकी पैरवी करने के लिए ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स का लॉर्ड नजीर अहमद का एक मेंबर वहां पे आया हुआ था जिसमें हर्ष मंदर भी बैठा था। और ये लॉर्ड अहमद नजीर क्या कह रहा था उसी कॉन्फ्रेंस में, आई डू नॉट बिलीव दैट यू कैन डू बायलेटरल टॉक्स विद इंडिया एंड यू कैन ट्रस्ट इंडिया। मुझे नहीं लगता कि हम इंडिया को ट्रस्ट कर सकते हैं और उससे द्विपक्षीय वार्ता हो सकती है। यू नीड टू हैव थर्ड पार्टी टॉक्स, कि इसमें आपको तीसरी पार्टी को डालना ही पड़ेगा। वो यूनाइटेड स्टेट्स हो सकता है, वो अमेरिका हो सकता है, बट यू कैन नॉट ट्रस्ट इंडिया, आप इंडिया पे भरोसा नहीं कर सकते। ये किस किस्म का एजेंडा हर्ष मांदर ऐसी कॉन्फ्रेंस में चलाने गया था, किसी मीडिया हाउस ने नहीं पूछा आज तक। आगे चलते हैं। कश्मीर के मुद्दों पे काम करने के लिए एक और संस्था है, जस्टिस फाउंडेशन। ये ब्रिटेन में है, यूके में है। यहां पर उन्होंने एक राउंड टेबल वर्किंग ग्रुप बनाया हुआ है ऑन कश्मीर, उसमें बाकी सारे विदेशी हैं, अमेरिकन्स हैं, आयरलैंड के हैं, नीदरलैंड के हैं, ग्रेट ब्रिटेन के हैं, और एक अकेला जो हमारे देश से, वो ये हर्ष मंदर है। अब ये जस्टिस फाउंडेशन का एजेंडा कैसा है वो समझने के लिए आपको इसकी वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। वो अपनी वेबसाइट पे क्या बताते हैं, सबसे पहली चीज, जम्मू एंड कश्मीर इज अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी। उन दिनों जो चाइना था वो जम्मू कश्मीर वालों को स्टेपल्ड वीजा दे रहा था, जिसका हमारे देश ने विरोध भी किया था। इशूइंग स्टेपल्ड वीजाज टू द कश्मीरीज बाय डिक्लाइनिंग टू कंसिडर देम एज इंडियन सिटीजन इज इन कन्फर्मिटी विद दिस स्टैंड। ये जस्टिस फाउंडेशन का स्टैंड है, उस संस्था का जिसके राउंड टेबल वर्किंग ग्रुप में हर्ष मंदर बैठता है और जिसके बारे में कोई बोलता नहीं है कि क्यों कश्मीर को इंटरनेशनलाइज किया जा रहा है या उसको लेजिटिमेसी दी जा रही है, कैसे इंटरनेशनल बनाया जाए। आगे चलिए, तो यही वेबसाइट आपको और इंटरेस्टिंग तथ्य देती है। ये शहीद मकबूल भट्ट डे ऑब्जर्व करती है कश्मीर में। और मकबूल भट्ट कौन है? ये कश्मीर का वो आतंकवादी था जिसने जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट नाम की जो आतंकवादी संस्था है वो बनाई थी। आज वहां पे ISIS या बाकी संस्थाएं एक्टिव हो रही हैं, वो इंडियन मुजाहिदीन जैसी संस्थाएं हैं, लेकिन उन दिनों JKLF एक प्रमुख संस्था होती थी वहां पर। जस्टिस फाउंडेशन जिस मकबूल भट्ट की बात कर रही है, ये वो मकबूल भट्ट है जो पाकिस्तान से फंडिंग लेता था और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ इसकी फोटोएं फ्लॉन्ट की जाती हैं। अब एक अमन नाम की इसकी और संस्था है, अमन पंचायत करके, उसकी वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां भी आपको विदेशी डोनर्स दिखाई दे जाएंगे जिनसे पैसा लेकर, लाखों डॉलर्स लेके ये हमारे देश में अमन का काम करता है। ये देखिए, एसोसिएशन फॉर इंडियाज डेवलपमेंट, चैरिटीज एड फाउंडेशन, यूरोपियन कमीशन फॉर ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस और फोर्ड फाउंडेशन, ये इसके डोनर्स हैं। और अगर आप फोर्ड फाउंडेशन की एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ेंगे तो वहां आपको दिख जाएगा कि वहां से लाखों डॉलर इस संस्था को, अमन चैरिटेबल ट्रस्ट को भी मिलते रहे हैं। और ये जितनी की संस्थाएं आपको दिखाई दे रही हैं, ऑक्सफैम इंडिया है, ये आउटराइट क्रिश्चियन संस्थाएं हैं जिनका काम ईसाइत को फैलाना है। अब वो ये फैलाता कैसे है, एजेंडा पे काम कैसे किया जाता है? बड़े बड़े अखबार, स्पेशली अंग्रेजी अखबार, इसके आर्टिकल्स को बड़ी प्रमुखता से छापते हैं। इसकी जो वर्डिंग है, फोटोग्राफ्स हैं, टर्मिनोलॉजी है, वो सारी की सारी हमारे देश की संस्कृति पे अटैक करने के लिए है और क्रिश्चियंस की जो कन्वर्शंस है उनको लेजिटिमाइज करने के लिए है। देखिए जरा, ये द हिंदू का आर्टिकल है, बेयरफुट
हेट एंड फियर ऑफ डेली लिविंग। सामने देखेंगे तो रामचंद्र जी की फोटो है, ओम का निशान बनाया है, ये सब सोच समझ के किया जाता है। इनकर्शंस ऑफ हिंदुत्व, टाइटल सोच समझ के बनाए जाते हैं, रेडिकल हिंदुत्व। और अब इसमें इनको ऑब्जेक्शन क्या है, अगर तो ईसाई कन्वर्शन कर रहे हैं तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन अगर उनको वापस कन्वर्ट किया जा रहा है हिंदू धर्म में, वापसी की जा रही है, तो उसमें इनको ऑब्जेक्शन होता है। अब मिशनरीज अंग्रेजों के समय से ही हमारे देश में कोशिश करते रहे कि जो आदिवासी हैं, भोले भाले होते हैं, इनको पैसे का लालच देकर या इनको बुद्धू बनाकर कन्वर्ट करने की कोशिश की जाती है। नहीं तो हमारे देश में जो आदिवासी हैं उनको क्रिश्चियन कैसे बनाया जा सकता है? लेकिन इनके आर्टिकल आप देखेंगे तो ये फेवर किसकी करेंगे, क्रिश्चियन आदिवासीज। और उसके लिए जो ये टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं वो अंग्रेजों के जमाने वाली ही है कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट और गजेटियर्स का कहना है कि जो आदिवासी हैं वो हिंदू नहीं है, जिससे मानो इनको एक राइट मिल गया कि इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। हालांकि ये भी जो इनका ऑब्जेक्शन है वो गलत है, क्योंकि अगर आप गजेटियर्स पढ़ेंगे तो गजट रिपोर्ट्स में बार बार आ रहा है कि हिंदू धर्म और जो आदिवासियों का जीवन शैली है उसमें कोई अंतर नहीं है, कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं दिखाई देता। और एंथ्रोपोलॉजिस्ट तो ये कभी निर्णय कर ही नहीं सकते कि कोई अगर कौन से रिलीजन को फॉलो करता है। ये इसमें जो अपना लॉजिक देते हैं वो क्या है कि जो आदिवासी हैं वो किसकी पूजा करते हैं, बाघ की, गाय की, सांपों की, चंद्रमा की, पहाड़ों की, जंगलों की, पवन की और वर्षा की। अब अगर आप हिंदू धर्म को देखेंगे तो उसमें भी गाय की पूजा है, शेरों वाली माता की पूजा है, चंद्रमा की पूजा है, करवा चौथ पे चंद्रमा को देखा जाता है, और पवन देवता की पूजा की जाती है और इंद्र की पूजा की जाती है। लेकिन जब आप उनको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं तो आप ज़्यादा इंटेलेक्चुअल लगते हैं और ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि मानो आदिवासी जो है वो हिंदू नहीं है। इनको ये भी प्रॉब्लम है कि आदिवासी इलाकों में हिंदू मंदिर बनाए जा रहे हैं, वहाँ पर हिंदुओं के त्यौहार मनाए जाते हैं। अब इसमें ऑब्जेक्शन वाली क्या बात है, ये तो यही बेहतर जानते होंगे। और इनका कहना है कि आदिवासी क्रिश्चियंस हैं और क्रिश्चियन आदिवासी हैं, इनको डिस्ट्रॉय या इनके एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश है। इस तरह के आस्तीन के सांप हमारे देश में खुले घूमते हैं और विदेशियों से फंडिंग करा के ये गांधी जी के नाम पे काम करने का दम भरते हैं। आप सबसे निवेदन है ऐसे आस्तीन के सांपों से बचें। नमस्ते।